भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी का नामांकन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। देखिए, ये विद्याधर नगर से भाजपा प्रत्याशी हैं दिया कुमारी, और आज नामांकन भरने के लिए दिया कुमारी निकली हैं। ये जयपुर से खबर है, जहां पर आप देख सकते हैं बड़ी रैली के साथ भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी नामांकन भरने के लिए निकली हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, देखिए, आज विद्याधर नगर से भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी नामांकन भरने के लिए रवाना हो गई हैं, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल, हमने देखा प्रधान कार्यालय पर तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित किया दिया कुमारी ने, और आज नामांकन का दिन हमने देखा कि बड़ी संख्या में वहाँ रैली रवाना होती है। प्रधान कार्यालय से विद्याधर नगर के अंदर का रैली रवाना होती है, तमाम जो कार्यकर्ता है वो अब इलेक्ट्रिक की ओर यहाँ पर जा रहे हैं। वाहन रैली के साथ में कार्यकर्ताओं में उत्साह यहाँ पर देखते ही बनता है, और हम देख रहे हैं कि दिया कुमारी के साथ में अगर देखा जाए माधव नगर से भाजपा के प्रत्याशी और विधायक कालीचंद सराफ उनके साथ में मौजूद है। अनिल जैन जो की पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री है वो यहाँ पर उनके साथ में मौजूद है, और दिया कुमारी का जगह जगह स्वागत इस दौरान किया जा रहा है। हमने देखा पहले एक नंबर रोड पर स्वागत किया गया, अब खेतान के ऊपर जो स्वागत है करके आम कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर स्वागत दिया कुमारी का कर रहे हैं। नामांकन बनने जा रही है तो कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो कहीं ना कहीं अपने आप बता रहा है, और ये स्वागत ही बता रहा है कि हाँ, दिया कुमारी के साथ में जो लोग हैं वो उनके साथ में, विद्याधर नगर के क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं, जो विद्याधर नगर के वोटर्स हैं वो उनके पक्ष यहाँ पर है। वाहन रैली जो है दिया कुमारी के यहाँ पर पहुंची, स्वागत वहाँ पर किया गया है। फूल वर्षा करते हुए दूसरे पॉइंट पर अगर देखा जाए, क्योंकि जगह जगह स्वागत है, जगह जगह स्वागत के दौर में अब बैंड वादन करते हुए तो एक जो दूसरी जगह स्वागत हम देखेंगे कि ये आप देख सकते हैं कि ड्रोन के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से आपकी बच्चिया जो है वो दिया कुमारी तमाम समर्थक और उनके साथ भाजपा के जो कार्यकर्ता मौजूद है उनके यहाँ पर तस्वीरें हैं नामांकन के दौर के लिए। नामांकन यहाँ पर जो वाहन रैली के माध्यम से रवाना किए, आपको बता दें कि कांग्रेस के राजीव देखें जनता पार्टी ने दिया हमारे
अभिवादन यहाँ पर कर रही है और आम लोग भी इस अभिवादन को स्वीकार करते हुए देखे जा सकते हैं। जो से आम लोगों के अंदर और ये अक्सर चुनाव के अंदर देखने को मिलता रहता है, कांग्रेस की रैली हो या फिर बीजेपी की रैली हो, कांग्रेस का नामांकन हो या बीजेपी का नामांकन हो, देख रहे हैं कि दूसरी जगह पर जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, कल हमने देखा था सचिन पायलट जो की कांग्रेस के बड़े नेता थे वहां से भी टॉप कैसे निकाली और वहां पर भी सचिन पायलट का भव्य स्वागत हुआ था बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं। ऐसी ही तस्वीरें जो विद्यार्थन नगर से यहाँ पर है, जयपुर की विद्यार्थन नगर क्षेत्र से भाजपा का गठ भी मानी जाती है और इस गठ को मजबूत करने के लिए एक बार फिर से दिया कुमारी जो है उनको राष्ट्रमंत्री यहाँ पर विद्यार्थन नगर लाया गया। मौजूद अगर देखा जाए तो सांसद दिया कुमारी और इससे पहले सवाई माधोपुर से भी विधायक रह चुके हैं, लेकिन फिर भी ये तस्वीरें जो है वो अपने आप में कार्यकर्ताओं का एक उत्साह देखते हुए बन रहा है। यहाँ से पूछ करते हुए काफिला है, तमाम जो लोग हैं, तमाम जो कार्यकर्ता है वो चिंकारा कैंटीन तक पहुंचने के लिए अधिकारी की प्रस्तुति है तो इस वाहन रैली को चिंकारा तक परमिशन दी जाएगी और उसके बाद में चिंकारा से लेकर परमिशन होगी क्योंकि मुख्य वाहन है जो के साथ जो मुख्य मुख्य कार्यकर्ता है जो नामांकन करने के लिए वापस जाएंगे। लेकिन वहां तक अगर देखा जाए तो जया हमारे साथ में बाइक रैली, वाहन रैली और काफी तस्वीरें आप देखेंगे कि जेसीबी के माध्यम से स्वागत हुआ जो जया कुमारी का इंतजार है, जेसीबी लगाई गई है और जेसीबी के साथ साथ उनके ऊपर कुछ वर्षा की जा रही है, कुछ वर्षा जेसीबी के माध्यम से की जा रही है और तमाम जो कार्यकर्ता है अलग अलग अनोखे तरीके से स्वागत कर रहे हैं। कहीं पर फूलमाला बताएंगे, ड्रोन के माध्यम से फूल बताएंगे और अब यहाँ पर जो है जो विद्यार्थी नगर का एरिया है केतान के अंदर से अगर देखा जाए जो केमाबाड़ी रास्ते में जाते हैं यहाँ पर अगर देखा जाए तो जेसीबी लगाइए और जेसीबी लगाकर ये सुस्था भव्य तस्वीर जो है हमारी की देखी जा सकती है। आम कार्यकर्ताओं का जो नजारा है वो देखते ही बन रहा है, आम कार्यकर्ता जो है एक अभिवादन कर रहे हैं और साथ जो दिया कुमारी के साथ रामचंद्र बोरा, विधायक कालीचंद खराब और उनके तमाम जो लोग हैं वो उनके साथ में कार में सवार हैं। राघव शर्मा जो की जयपुर शहर जिलाध्यक्ष हैं वो भी दिया कुमारी के कार में सवार हैं और उनके साथ साथ पीछे काफिला है, वो पूरा काफिला चलते हुए देखा जा सकता है। जो से उठा ये तस्वीरें जो नामांकन की है वो जयपुर की तस्वीरें जो वो देखते ही बनती जा रही है। जी ये थे जयपुर संवाददाता अनिल हमारे साथ। अनिल जानकारी के लिए धन्यवाद। क्या करेंगे